This conference will now be recorded. हाँ, तो सबसे पहले मतलब हमें पूरे के पूरे जॉब को छोटे छोटे टुकड़ों में, हाँ भव्या आपका क्वेश्चन आ गया है, अभी करेंगे। तो बेटा ये बड़ा जरूरी है कि दैट यू हैव टू ब्रेक दी होल जॉब इनटू स्मॉल चंक्स, ठीक है। तो आज का टारगेट आप इवनिंग तक का ये लेकर चलो कि एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कर लो। वैसे तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है वो जो आपके मॉड्यूल में पॉलिनोमियल्स का पार्ट दिया हुआ है उसको कर ले। कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर हमने रियल नंबर्स में से ये नहीं किया वो नहीं किया, उसके लिए भी आपको टाइम फ्रेम देंगे, ठीक है। बट आज पहले आप पॉलिनोमियल्स में से एनसीईआरटी खत्म करके अपने मॉड्यूल में से पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, ताकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपके सारे डाउट्स उसमें से निकल जाएं, ठीक है। यू शुड बी एबल टू टेक आउट ऑल दी डाउट्स, ठीक है। तो फिर उसके डाउट्स ले लेंगे आपके, ठीक है। तो डू दिस, ओके। भव्या इज आस्ट वन क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज। 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 2.3 में क्वेश्चन नंबर, ये तो इजी है बेटा, ये तो आप बना लो अपने आप से, है ना। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है ना, गिव एग्जांपल्स। चलो ये तो हम बना लेंगे, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हमने बनाई है एग्जांपल्स, बताना कौन से एग्जांपल्स बनाए, ठीक है। और बताएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन और कोई है? भव्या ने एक क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल 2.3 में क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5। सो द थिंग इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स एंड जी एक्स सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड पी एक्स ऑफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ओके, तो बेटा एक बार जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लिखा था, ठीक है, विदाउट नोइंग द डिवीजन एल्गोरिथम वी वोंट गेट एनीवेयर। तो एक बार अगर हम देखते हैं इसको, जो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, तो ये ऐसे है ना, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। इफ आई राइट पी क्यू जी एंड आर इन दिस वे, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल सोच के भी नहीं रखे कि मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, आपकी बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें जिसमें आपकी डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल हो। पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्रीज इक्वल करनी है, राइट। तो इन दोनों की डिग्रीज को इक्वल करना है, इन दोनों की डिग्रीज को इक्वल करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है ये, ठीक है, नित्या ने ढूंढ के रखा हुआ ये, तो एनसीईआरटी की बुक से ही। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन माइट बी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ये एग्जाम्पल दो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कब हो सकता है, इन दोनों की डिग्री इक्वल कब हो सकती है ना। तो एक एग्जाम्पल ये है, पर आप और सिंपलर एग्जाम्पल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सर माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, अगर हम इसको पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है x² ठीक है प्लस 3x + 1 से, इसको अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्वोशेंट इसमें आ रहा है 3x² - 4x + 2, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर ही कहीं दिया हुआ है, ये पी एक्स, ये जी एक्स और ये क्यू एक्स, ये एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा। अब इसमें आर एक्स कितना आ रहा है, इसमें आर एक्स आ रहा है 0, है ना, आर एक्स इज 0। तो अगर आप और सिंपलर एग्जाम्पल बनाना चाहते हो, इन दोनों की डिग्री सेम करनी है आपको, राइट। तो इन दोनों की डिग्री सेम करने के लिए हम और भी कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं, तो और सिंपलर एग्जाम्पल सोचो आप कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो लेट अस टेक पी एक्स एज 7x + 5, ठीक है, एंड सपोज वी डिवाइड इट विद समथिंग लाइक, कुछ भी एग्जाम्पल आपको सोचना है, क्योंकि इसमें कुछ करने का तरीका नहीं है, ये आपको सोचना ही है ना, एग्जाम्पल ही देना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ ज्यादा सोचना है। तो इसमें अगर आपने सपोज 2x से डिवाइड किया है ना, तो 2x से डिवाइड किया, तो यहाँ पे अगर मैं 7x² लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कर दिया 7x², तो देन दिस बिकम्स हाउ मच, तो अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ 7/2x से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 7x², ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब
आपने लिखा 7x² + 5 को आपने px ले लिया, ठीक है, ये आपने px ले लिया, और qx क्या हुआ, gx क्या लिया आपने, gx को आपने 2x ले लिया, और qx कितना है आपके पास 7/2x, और रिमाइंडर क्या है आपके पास 5। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, मैंने वैसे ही अभी बनाया आपके साथ, ठीक है, तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक तो पहले लिखा था एग्जाम्पल, अब एक ये लिख दिया, तो इसमें क्या हुआ डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ किसकी डिग्री सेम करनी थी हमें, पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम करनी थी ना, पी एक्स और क्यू एक्स की, पी एक्स और क्यू एक्स, तो इसमें किसकी डिग्री सेम होगी, क्यू एक्स और डिग्री ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री तो सेम नहीं हुई, राइट, दीज आर नॉट द सेम, तो कोई बात नहीं, इसको भी कर देते हैं, ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये वाला नहीं बनेगा ना एग्जाम्पल इस पार्ट के लिए, मतलब आपको एग्जाम्पल हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अभी हम ऐसे करते हैं ना, इसकी डिग्री आपको, मतलब मैंने कोई सोच के नहीं रखा है, आपको खुद ही सोचना है अभी, तो इस वरना सोच के रख लेंगे तो इजीली बता देंगे, एक एग्जांपल तो आपको दे दिया, ठीक है, अब इसकी डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री सेम करनी है आपको, तो कैसे कर पाएंगे, तो ऐसा कर दें इसको, देखना अगर मैं सपोज यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x² और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है, तो लाइक क्योंकि आर एक्स की डिग्री आप ध्यान से देखो, आर एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से कम आएगी, ठीक है, तो मान लो इसकी डिग्री है 2 और इसकी भी डिग्री है 2, तो जी एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, अगर जी एक्स की डिग्री को हमने 1 भी बना दिया, अगर हमने जी एक्स की डिग्री को 1 भी बना दिया, ठीक है, आपने कौन सा एग्जाम्पल दिया था उसमें तो सेम नहीं है पी एक्स और जी एक्स की, वो तो गलत एग्जाम्पल था पहले वाला, है ना, जो मैंने पहले दिया था दैट वाज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल, अब इसको ऐसे सोचना है बेटा, ठीक है, आप देखो क्योंकि पी एक्स की डिग्री मान लेते हैं 2 है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जी एक्स की डिग्री भी क्यू एक्स की डिग्री भी 2 हो, तो जी एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, जी एक्स की डिग्री तो 0 ही होनी चाहिए ना, जी एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए 0, रिमाइंडर की डिग्री चाहे 1 भी हो सकती है, 1 ही होगी, है ना, कम ही होगी या 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, ठीक है, तो मतलब अब ये वाला एग्जाम्पल बन जाएगा जो मैंने अभी लिखा, ये करेक्ट एग्जाम्पल बन जाएगा, क्योंकि 7x² + 5 आपने लिया यहाँ पर, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 2, तो अगर मैंने लिखा 7/2x², तो ये बन जाएगा आपके पास 7x², और ये माइनस हो गया और ये कैंसिल हो गया और ये 5 आ गया, अब ये क्वेश्चन, अब ये आपके पास आ गया क्यू एक्स, ठीक है, और ये आपके पास आ गया पी एक्स, तो इन दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो आपने क्या आर्ग्यू किया, हमने इस इक्वेशन से आर्ग्यू किया कि पी एक्स की अगर हम कुछ भी डिग्री मान लें 2 मान लें, तो क्यू एक्स की डिग्री को 2 करने के लिए जी एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जी एक्स की डिग्री 1 हुई तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, समझ में आया बेटा रीजनिंग क्या है, ये देखो ये बता रहा हूं मैं आपको, मान लो इसकी डिग्री है 2 और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी भी डिग्री 2 हो, लेकिन अगर जी एक्स की डिग्री 1 हो गई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री तो 3 हो जाएगी, समझ में आ, जैसे मान लो क्यू एक्स है 2x² + 5 और जी एक्स है सपोज एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 2x³ + 5x, अब मान लो आर एक्स 0 भी है मान लो, तो आपके पास इस साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर तो एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया और लेफ्ट साइड के ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रह गया, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते ना, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं हो सकता, तो दैट मींस इट इज नेसेसरी दैट इफ द डिग्री ऑफ, कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 2 ही लेना है आपको, 3 से भी आ जाएगा, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था वो वैलिड नहीं है, ठीक है, तो पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम करने के लिए जी एक्स की डिग्री को हमें 0 करना पड़ेगा, ये समझ में आएगा आपको, ये रीजनिंग है, भव्या समझ में आ गया आपको, भव्या ओके यस सर, ठीक है, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है,
सम स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी मैसेजेस ऑन फोन ऑल्सो, सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट. ठीक है, आप ही के बैच के. ठीक है, तो बेटा ये इसको बिल्कुल इजीली मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो और देखो और कौन सा पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी सेम. तो इसी को भी आर्ग्यू करते हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इनको भी सेम करना है. जस्ट अ मिनट, देखना बेटा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स. एक सेकेंड, गलत बताते हो आप. ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स. लेट अस सी, क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री को सेम करना है आपको. कैसे कर सकते हैं बेटा क्यू एक्स और डिग्री? तो वैसे ही आप इमेजिन करो कि अब मान लेते हैं इसकी डिग्री है 2. ठीक है, अब इसकी डिग्री 2 है, तो अगर क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? आर एक्स की डिग्री या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है ना? क्योंकि आर एक्स की डिग्री को क्यू एक्स की डिग्री से तो कम ही होना पड़ेगा. क्यू एक्स की ज्यादा से ज्यादा कितनी डिग्री हो सकती है? अभी हमने देखा क्यू एक्स की ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री हो सकती है, अभी देखा था ना. तो अब अगर क्यू एक्स की ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री है, तो आर एक्स की डिग्री या तो 1 आएगी या 0. ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री और ज्यादा कुछ नहीं आ सकती है ना, नहीं तो फिर ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि आर एक्स की डिग्री को क्यू एक्स की डिग्री से कम होना है ना. ये कम होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स हैज टू बी लेस देन डिग्री ऑफ, तो क्यू एक्स की डिग्री 3 तो हो नहीं सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकती है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी सेम. डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री, मैं पहले से भी एग्जाम्पल सोच के रख सकता था, पर मैंने सोचे नहीं, फिर डिस्कशन नहीं हो पाता ना. डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स लाओ, कौन बताएगा अभी इसको? डिग्री ऑफ पी क्यू एक्स एंड आर एक्स को सेम करने के लिए हमको कोई एग्जाम्पल सोचना है. सोच लो, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स को सेम कर देते हैं. जस्ट अ मिनट, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स ला बेटा, देखना. तो सपोज कुछ भी एग्जाम्पल सोच लो, आप ऐसे ले लो. ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी डिग्री हम 2 कर देंगे. ठीक है, तो कोई भी आपने पॉलिनोमियल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x. ठीक है, ठीक है, आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. ठीक है, आपने ये पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स, और हमने क्या किया, हमने हमको इन दोनों की डिग्री सेम करनी है, राइट? तो इसको सेम करने के लिए, ये अगर इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री भी मैक्सिमम, इसकी डिग्री मान लो क्यू एक्स की डिग्री या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. चलो इसको हम 1 कर देते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, और जी एक्स को हम एक्स ले लेते हैं. तो अगर मैंने एक्स ले लिया इसको, सपोज मैं एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस बन जाएगा, और ये 3x+5 बन जाएगा. अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ +3. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास, 3x आ गया, और ये माइनस हो गया, और ये 5 आ गया. तो इसमें आर एक्स की डिग्री तो 1 हो गई है ना, लेकिन हमें क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम करनी है ना. क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम, वो कोई नहीं, कर देते हैं. ठीक है ना, ये इसको तो कैसे सोचेंगे बताओ. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो लो अभी मैं बता देता हूँ. कोई मतलब हिट एंड ट्रायल से आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी, और कुछ आप हिट एंड ट्रायल से एग्जाम्पल सोच सकते हो कि क्या एग्जाम्पल बनेगा. और कुछ इसमें हिडन ऐसा कुछ मैथमेटिकल टेक्निक नहीं है. ठीक है, तो इसकी डिग्री को सपोज हम 2 बनाएंगे, और इसकी डिग्री आपके पास क्यू एक्स की डिग्री, जी एक्स की डिग्री 2 से कम है. ठीक है, तो वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है. अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री को अगर हमें सेम करना है ना, क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री को सेम करना है, तो चलो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एग्जाम्पल सोचते हैं जिसमें हम इसकी डिग्री को 1 बना देंगे. तो इसकी डिग्री भी 1 रहे है ना, इसकी भी डिग्री 1 रहे, और इसकी भी डिग्री 1 रहे, ऐसा कोई एग्जाम्पल बनाते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5. ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड किया, सपोज क्यू एक्स जी एक्स को मैंने लिया 2x+, ओके और भी इजी बना देते हैं इसको, हम करते हैं सपोज x+5 से, है ना. तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x बन जाएगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x हमें सेम करना है क्यू
एक्स और आर एक्स की डिग्री को। ओके ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ये हमने लिया एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो हमने किया इसको एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स में ये माइनस माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस टू एक्स प्लस फाइव। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको हम कर देते हैं टू से मल्टीप्लाई, है ना, टू से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे टू माइनस टू से कर दोगे, है ना, माइनस टू से। तो हम क्या करते हैं बेटा इसमें, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम्पल, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको रिमाइंडर की डिग्री सेम कैसे करनी है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस टू लिखा, माइनस टू लिखा, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, अब तो ये कैंसिल हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो हम चाहते हैं कि ये कैंसिल ना हो, समझ में आ रहा है आपको, हम चाहते हैं ये कैंसिल ना हो, तो कैंसिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो इसकी डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम नहीं आएगी, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज टू एक्स लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टू एक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स अपॉन टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स अपॉन टू, और फिर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ माइनस टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गया, तो कैसे आएगा, ठीक है, माइनस वन से, ठीक है, तो ये माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना बन गया, ये माइनस टू एक्स, ये फिर से आपके पास कैंसिल हो रहा है ना, तो हमको क्या एग्जांपल सोचना है बताओ, ठीक है, मैं सोच के रख सकता था बट कोई नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कशन करके ही हम बनाएंगे, जो सजेस्ट करना चाहता है वो बताए। हाँ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ, मैं नहीं थी आपके एग्जांपल्स में देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचना भी है ना, बिना सोचे समझे एग्जाम्पल ही देंगे, आपने सोचा है, चलो नैति से डिस्कस करते हैं, नैति सेंडिंग सम एग्जाम्पल्स, व्हाट इज शी सेइंग, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपने सोच के बनाया है तो मुझे बताना, ठीक है, अगर बिना सोचे बनाया है फिर नहीं, फर्स्ट वाला तो हमने सोच लिया ना कैसे करना है, ऐसे सोच के बना के बताओ मुझे कि क्या सोचेंगे ताकि आंसर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक है आंसर तो हम याद कर सकते हैं, दो दो एग्जाम्पल्स के आंसर याद कर बन जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। नैति, अरे देर, हेलो, ठीक है, ओके, वो तो ठीक है एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, मेरे पास भी है एग्जाम्पल्स, ठीक है, लेकिन आप अपनी थिंकिंग सोच की, हाँ बताओ क्या सोचोगे आप, सेकंड हमको क्या करना है सेकंड पार्ट में, हाँ बोलो बेटा, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, आपको क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम करनी है ना, तो क्या सोचोगे बताओ, तो आपको एक ऐसा पॉलिनोम, हाँ बेटा बिल्कुल सुन रहे हैं, सबको सुन रहा है, बोलो, वी कैन हियर यू, ठीक है, बोलो बोलो, चलो अभी कर लोगे, भव्या समझ में आया कुछ आपको, हाँ ठीक है, वो भेजा है आप लोगों ने सिंपल करना एग्जांपल, था कि हाँ इजी है। हाँ ये इजी है, क्यू एक्स की डिग्री वन ही बना दो, है ना, तो रिमाइंडर की डिग्री भी वन आ जाएगी, ये इजी है ना, तो आपने इसको ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कुछ ऐसे प्लस फाइव ऐसे कुछ ले लिया, ठीक है, और क्यू एक्स को आपने जी एक्स को आपने ले लिया, अब मतलब ऐसा बना दो ना क्वोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री वन वन हो जाए, ठीक है, ऐसा कर दो, ये वाला केस तो बना लोगे भव्या, समझ में आ रहा है आपको, ये देखो ये एक इजी एग्जांपल ऐसे बन जाएगा, है ना, कि आप जो क्वोशेंट है उसकी डिग्री भी आप वन ही रखो और रिमाइंडर की डिग्री भी वन ही रखो, है ना, अब आप सोच लो कि पी एक्स और जी एक्स क्या हो सकता है, तो सपोज हमने इसको रखा थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, और इसको हमने रखा एक्स, ठीक है, तो अब हमने सपोज ऐसे किया x को हमने 3x प्लस 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x, ठीक है, अब ये माइनस हो गया, अब ये को रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3x प्लस 5 px है और क्वेश्चन क्या है 3 और gx क्या है x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, तो ऐसे हो जाएगा, तो
ये बिल्कुल इजी है। और भी कोई एग्जांपल हम सोच सकते हैं इसी टाइप से, तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो आपका इन दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो अगर हम इसी में से कुछ और करें, देखना इसी में से कुछ मॉडिफिकेशन करें, तो अगर सपोज मैं इसको यहाँ पर 3x² कर देता हूँ मान लो, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा 3x, है ना, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 5x, ठीक है। तो जब आप इसको 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 3x² हो जाएगा और ये तो आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा 5x, और फिर ये प्लस 5 से आके ये 5x हो जाएगा, फिर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो एक इजी एग्जांपल तो हमने बना ही दिया, और भी बना देंगे। एक और मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, क्या एग्जांपल है देखो, अब एक ये एग्जांपल लेके देखो आप, x³ - 3x² + 5x - 3, ठीक है, ये आपके पास px, ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिया x² - 2, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो x-3 इज दी क्वोशंट एंड रिमाइंडर विल बी 7x-9। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये प्रत्यक्ष ने भी दिया हुआ, ये भी, ये तो ट्रिवियल हो गया, ये वाला तो प्रत्यक्ष वाला एग्जाम्पल हमने कर दिया, नैति ने कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला, तो ये तो सेम ही है ना, जो अभी आपने बताया वैसा ही है। चलो एनीवे बना लोगे बेटा, तो ये हिट एंड ट्रायल से करना है, कोई और हिडन मैथमेटिकल मेथड नहीं है इसका भव्या, ठीक है, कि कुछ और चीज है। चलो कोई बात नहीं, हमें डिस्कशन करना था, हमने कर लिया इसके बारे में, और मुझे बताओ और किसी को कौन सी चीज डिस्कस करनी है, क्वेश्चन नंबर और है कोई जो आपको डिस्कस करना है, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछा है। देखिए बेटा एक बार, भव्या का हो गया अभी डिस्कशन, भव्या और तो नहीं डिस्कस करना, सारांश बता रहे थे आप, सारांश यस यस सर, कौन सा क्वेश्चन बेटा डिस्कस करना है। क्वेश्चन डिस्कस करना सर, डिवीजन एल्गोरिथम पूछना था सर, उसमें पूछना था आर एस की डिग्री से क्यू एक्स से छोटी होनी चाहिए, जी एक्स से छोटी होनी चाहिए सर, हमने कुछ गलत बोल दिया था कल, एक मैं एक तो पूछ रहा हूँ पीएक्स, सर। हाँ एक नहीं मतलब कल रिकॉर्डिंग भी भेजी थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, पीएक्स तो डिविडेंड है और जीएक्स क्या है, डिवाइडर है, ठीक है, यहाँ जो आता है वो क्वोशंट होता है, ठीक है, और जब आप डिवाइड करते हो यहाँ जो आता है वो रिमाइंडर होता है, तो हम डिविजन किस स्टेप पे रोकते हैं बेटा, इसको हम किस स्टेप पे बंद करते हैं डिविजन को, जब आर एक्स की डिग्री जीएक्स की डिग्री से कम हो जाए, आर एक्स की डिग्री जब जीएक्स की डिग्री से कम हो जाए, या फिर आर एक्स 0 आ जाए, तब आपका डिवीजन रुक जाएगा। बिकॉज मैथ्स में कोई भी चीज हम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसको एंड करने का प्रोसीजर भी होना चाहिए, ठीक है। आपने डिवीजन स्टार्ट कर दिया है ना, पी एक्स को आपने जी एक्स से डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन आता जा रहा है, यहाँ पे बनता जा रहा है, और किस स्टेप किस स्टेज के ऊपर जाके कहोगे अब हम और आगे नहीं जाएंगे, जब इसकी डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम हो जाए, ठीक है, तो आर एक्स की रिमाइंडर की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए या रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, तब डिवीजन स्टॉप होता है, डिवीजन एल्गोरिथम। अभी ठीक है बेटा, ठीक है ना, सारांश को क्लियर हो गया, आई थिंक सो, हो गया होगा, हो गया ना सारांश, ओके हो गया होगा, हाँ अच्छा, और क्या है बेटा, हाँ हाँ भव्या के हो गया, ओके और कोई है बेटा किसी के पास डाउट आपके पास, इसमें से मैथ्स वाले में से एग्जाम्पल आप लोगों ने किए हैं कि नहीं। बेटा मैं सब पेरेंट्स को मैसेज भेजने वाला हूँ, देखो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम अबाउट टू सेंड मैसेज, प्लीज मेक अ फेयर कॉपी ऑफ ऑल दीज एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी को फेयर नहीं किया वो तो चलो, ठीक है ना, अभी हम बता नहीं सकते बेटा कितने दिन से मैं स्कूल ओपन होगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जून में, जून भी आ सकते हैं, मई भी आ सकते हैं, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो आप अपना काम करते रहो, फेयर अप अपनी नोट्स बना लो, जो आप फेयर अप करोगे ना वही आपको आएगा, ठीक है, ओनली दैट थिंग यू विल कम टू नो, ठीक है। चलो एनीवे और कोई डाउट नहीं है एनसीईआरटी में से, तो फिर मैं अभी क्लास एंड करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको 2 दिन बाद का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपना और काम करो, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा इसमें से, हाँ बोलो प्रत्यक्ष, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर, बताओ पेज नंबर क्वेश्चन नंबर, बेटा जो ट्राई करेगा ना उसको डाउट जरूर आएंगे, जो ट्राई नहीं करेगा उसको कोई डाउट्स नहीं आएंगे, पेज नंबर बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा एग्जाम्पल 4 से,
पेज नंबर बताइए जल्दी से। हाँ पेज नंबर 31। इसमें क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, देखना बेटा। पेज नंबर 31 पर एग्जांपल 4 बेटा आप लोग देख लो बुक से, क्या प्रॉब्लम है उसमें मुझे तो नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा अभी। ठीक है, तो कितना सम और प्रोडक्ट है, -3 है ना, -3। हमें क्या चाहिए, -3 सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम सम ऑफ द जीरोस कितना होना चाहिए, -3, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, तो ये हो गया, बस ये आंसर है, x² - 3x + 2, दैट्स ऑल। यही तो किया ना हमने कल, यही फॉर्मूला बताया था, x² - 3x + 2, दैट्स ऑल, ये आंसर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, सर, इसके अंदर जो एनसीईआरटी में यूज हुआ है मतलब कंपेयरिंग, वो यूज कर सकते हैं? थैंक हाँ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, कर यू सर। सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है ना, दैट इज नॉट इट ऑल अ बिग डील। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें मैंने नहीं देखा एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, बाकी तो इजी है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, ये 2 आना चाहिए। अगर अल्फा बीटा दो जीरोज हैं, अल्फा तो बाकी लेंथी होता जाएगा। एनसीआरटी में क्या दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, आई डोंट इवन नो एनसीआरटी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीआरटी के अंदर ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ठीक है, तो एनसीआरटी में कुछ अलग थोड़ी दिया होगा, है ना, यही आ जाएगा, वो सेम ही चीज दी हुई है जो मैंने आपको बताई है, सेम। आपको क्यूबिक बनाना है या क्वाड्रेटिक बनाना है, इसमें क्यूबिक क्वाड्रेटिक बनाना है ना, तो x² - 3, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, वो इसमें क्या डिफरेंट डिफिकल्ट है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली याद रख लो बस, दैट्स ऑल। ठीक है, समझे, चलो और बताओ, और किसी को कोई डाउट है, ये तो आपने कल भेज दिया था, इसमें कुछ करना थोड़ी है। अभी आप बोल रहे हो एनसीईआरटी में दिया वो सही नहीं, एनसीईआरटी में कुछ गलत थोड़ी देंगे, वो सही देंगे एनसीईआरटी में, तो ट्रिवियल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई के भी ये मेथड खराब है ऐसे नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप आपको समझ में आना चाहिए वो उस मेथड से करो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हैं, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। जशनवीर, यस कोई डाउट नहीं आपके, सर, एक्सरसाइज कर लिए सर, एग्जांपल्स रखते हैं अभी। तो बेटा खत्म करो, अभी आप बिजी हो क्या, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, कर लो सभी काम खत्म। ठीक है, और बिल्कुल तनिष, यस सर। आप तनिष आपने कर लिया काम पूरा, यस सर। कपिश ने भी कर लिया, ठीक है करो बेटा काम खत्म करो। ठीक है, तो ये तो कुछ काम ही नहीं है, एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं बेटा, आपका मेन आपकी जो मॉड्यूल स्टार्ट होगी ना वही है। ठीक है, ठीक है, कपिश कह रहा है फेयर अप करना है बेटा जरूर, सब लोग ना ये बहुत जरूरी है कि फेयर अप करो। ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है इसमें, जो कोई आप अगर फाइनल पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यू जस्ट ट्राई टू फेयर अप ऑल दी थिंग्स, और एनसीईआरटी को एक बार आप पढ़ लो, फिर आप जब अपनी मॉड्यूल करोगे ना उसको फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो, अगर नहीं है डाउट तो फिर आपको ना साइंस, जो अभी साइंस वाला काम कराऊंगा ना बेटा इवनिंग में, उसमें मैं अभी क्लास करूंगा आपकी साइंस में, ऐसा नहीं कि आज आपको वीडियो देंगे, आज वीडियो नहीं देंगे, देर विल बी क्लास। आप जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो आपके डाउट्स आए ना लेक्चर से, वो मुझसे पूछ लेना कि सर ये चीज, जो कोई चीज अगर रह गई आपको समझ में नहीं आई है, तो जैसे आप वीडियो देखते हो तो आप अपना पॉइंट लिख कर रखा करो कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, वो पॉइंट लिख कर करोगे तो उसके बाद फिर हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूंगा क्या उसमें से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोगों ने केमिस्ट्री का भी काफी सारा देख लिया, फिजिक्स का भी देख लिया, तो आपका चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव आज क्लास करेंगे आपके आफ्टरनून में, फिर जब भी 5 o'clock ना,
तो ठीक है, अभी फिर अभी एंड करते हैं, आप खत्म करो एनसीईआरटी, जिन्होंने एनसीईआरटी पूरा कर लिया वो मॉड्यूल शुरू कर दो अपना पॉलिनोमियल्स का। बेटा ये आप, एक और चीज मुझे डिस्कस करनी थी मैथ्स की क्लास में, आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का भेजा था कल, वो देखा आप लोगों ने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर। तो आई थिंक मैंने, अब मेरे पास अभी इस लैपटॉप में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, तो अगर आपने ये नहीं देखा तो इसको देख के इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो अपने पहले, ठीक है। फिर कल कल दोबारा से करेंगे मैथ्स की क्लास 15 मिनट्स के लिए, ठीक है, और आपका जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका आपको बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, ये होमवर्क है अभी आपका, एनसीईआरटी कंप्लीट प्लस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। फिर अपने नोट्स में से आपके फर्स्ट टू चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे मॉड्यूल में से भी, तो मॉड्यूल वाला पॉलीनोमियल शुरू कर दो आप। चलो ठीक है, फिर एंड ऑफ क्लास, ठीक है, इवनिंग में करेंगे लाइव क्लास, साइंस के डाउट्स निकाल कर रखना आप लोग सब, ठीक है। This conference will now be recorded. Okay, nice thing, Dhananjay, that you remembered that I gave you this homework. So, what is the thing? आपको बताना है कि suppose मैं आपको कोई भी rational number देता हूँ, तो उस rational number को देखकर ही हम कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आएगी। मतलब अगर आप उसको डेसिमल नोटेशन में लिखोगे वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो कैसे करते हैं, तो उसकी एक ट्रिक होती है। तो वैसे ये 10th में आती है, लेकिन फिर आपको बारी बारी से ये सभी लोग आपको बताएंगे। तो लेट मी जस्ट सी, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, देखना बेटा। पहले आप सपोज हम इसके बारे में बात करते हैं, तो न्यूमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, कुछ भी हो, डोंट बदर अबाउट द न्यूमरेटर, जस्ट टॉक अबाउट द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बना लो, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बना सकते हो। तो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स आपने बना लिए, तो आपने 32 के फैक्टर्स बनाए, तो 32 के फैक्टर्स आप देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स 2 आ गया, कितनी बार आ गया बेटा 2, 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। हाँ करण, आपको आवाज साफ नहीं आ रही है, धनंजय आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। करण आपके एंड, आपके एंड के ऊपर हो सकता है साफ तो नहीं आ रही होगी। बेटा आपका नेट तो सही चल रहा है ना, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। यस सर। अभी मेरे को तो आपकी साफ आ रही है, आपको मेरी साफ नहीं आ रही है अभी आवाज? सर अब आ रही है आवाज। यस सर, इट्स कमिंग नाउ। थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा बेटा इसमें, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेट अस सी। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, मोस्टली okay. सही चलता है। चलो एनीवे देखना बेटा, तो आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू टेल वेदर एनी रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, आपको डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है। ये होगी डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन यहाँ पे 32 की, न्यूमिनेटर में चाहे 7 हो चाहे 5 हो उसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 ही हो, सिर्फ डिनोमिनेटर की फैक्टर्स बनाने हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमने बना दिए, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे भी फैक्टर्स बनाओ, यहाँ पे फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आएगा, देखना बेटा, 2 जाएगा 80 से और फिर 2 जाएगा 40 से और फिर 2 जाएगा 20 से और फिर 2 जाएगा 10 से और फिर 2 जाएगा 5 से, है ना। तो ये जो आएगा 160 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आपको। तो आपने फैक्टर्स बना लिए, तो अब फैक्टर्स से कैसे पता चलता है कि वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, है ना, यही मैं आपको अभी बताने लगा हूं कि बाय लुकिंग एट द फैक्टर्स, ठीक है, हाउ विल वी कम टू नो वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। अब हम क्या करते हैं, अब हम 235 के भी फैक्टर्स बनाकर देखते हैं। तो 235 किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 9 से, 3 से भी हो जाएगा, तो 3 7s आर 21 और 3 5s आर, ओके 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना ये, तो 3 5 एंड 5 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, राइट, गलती से मैंने गलत कैलकुलेट किया, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4s आर 20 और फिर 47 आ जाएगा बस, तो आपके पास आ गया 5 into 47। 47 के बाद हम क्यों रुक गए, क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 47 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब बेटा देखो, अगर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में
सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर एक इंटीजर है तो एवरी इंटीजर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, एवरी इंटीजर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। उसका मतलब है कि हम उसको प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को, एवरी इंटीजर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब 235 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 160 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, और 32 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो बस 7 ही आ जाएगा, है ना, बिकॉज और कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 47, यहाँ पे 2 या 5 के अलावा कुछ आया, इसमें सिर्फ 2 आया है और 5 आया, उनके अलावा कुछ नहीं आया। तो अगर सिर्फ 2 और 5 आते हैं डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग आएगा क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक प्राइम फैक्टर आ गया, इसमें भी 2 और 5 के अलावा एक प्राइम फैक्टर आ गया। ये जरूरी नहीं कि 2 भी आना चाहिए और 5 भी, सिर्फ 2 आ जाए तो भी कोई नहीं। अब जैसे अगर आप 1 अपॉन 125 है, अब 1 अपॉन 125 आएगा 1 अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर 3, क्योंकि 125 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, 125 के हम प्राइम फैक्टर, धनंजय एक मिनट वेट करो बेटा। तो 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ जाए डिनोमिनेटर में, तब उसकी डेसिमल नोटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। समझ में? तो ये कंसेप्ट होता है। चलो धनंजय पूछेगा क्वेश्चन पहले। हेलो सर, जो हाँ, आप लिख रहे हो कुछ स्क्रीन पर नहीं आ रहा, तो पहले बताना चाहिए आपको, आपके स्क्रीन पे नहीं, बाकी लोग, करण आपके स्क्रीन पे आ रहा है? सर स्क्रीन पर खाली बुक आ रही है। ओहो, फिर बता नहीं रहे ना आप, है कि नहीं, बताते नहीं हो फिर कैसे पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बताया करो तभी काम चलेगा। ये ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो यू हैव टू टेल बेटा। अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है, दो मिनट रुको। देखो हम तो सारा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर क्या फायदा हुआ इतनी देर से बोलने का, ये तो बता देना चाहिए था आपको, सारी चीज मुझे नहीं पता चलेगी ना। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलो चलो, आप लोगों ने सुना है 1/7 लिख दिया मैंने, मैंने 1/32 लिख दिया, मैंने 1/110 लिख दिया, और मैंने 1/235 लिख दिया। ठीक है, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एवरी इंटीजर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर्स बना लोगे ना 32 के, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो कितनी बार 2 आया, 5 टाइम्स आ गया, आ गया ना 2 5 टाइम्स, तो हमने 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। फिर ऐसे ही 235 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 47। ठीक है, 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा, प्राइम फैक्टर्स बनाकर देखो आप 110 को कर लोगे, फैक्टर्स बना लोगे कि नहीं, 2 से जाएगा कितना आएगा, 160 लेना बेटा यहाँ पे, 160 लो, 160 से मैंने आपको पहले बताया था, तो 160 से आपके पास आएगा 32, सॉरी 80 आएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 80, और फिर आप करते जाओ, 2 से आएगा 40, फिर आएगा 20, 2 से आएगा 10, फिर 2 से आएगा 5, है ना। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आया, फिर से 5 टाइम्स आ गया, 2 रेज टू द पावर 5 इनटू 5। ठीक है, और 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ 7 ही आएगा। तो आपको क्या मेथड मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 सिर्फ यही प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अभी 160 को आपने लिखा 2 रेज टू द पावर 5 इनटू 5, तो इसमें सिर्फ 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 235 में 5 के अलावा 47 है, अगर 2 और 5 के एक्सेप्ट फॉर 2 एंड 5 इफ एनी अदर प्राइम फैक्टर इज प्रेजेंट, यहाँ 7 प्रेजेंट है, यहाँ 47 प्रेजेंट है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है तो उसके
उसकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी. तो यहाँ पे किस किस की नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, इसकी टर्मिनेटिंग आएगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ टू है, इसमें सिर्फ टू और फाइव है, तो इसकी टर्मिनेटिंग, इसकी भी टर्मिनेटिंग, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग. इसकी नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में टू और फाइव के अलावा एक भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए. ये एक 47 टू और फाइव के अलावा एक प्राइम फैक्टर अगर प्रेजेंट है जो टू और फाइव नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी, तो उसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आएगी. अभी क्लियर है धनंजय आपको? यस सर. हाँ परफेक्टली हो गया ना. अच्छा चलो, ये तो आपका कल वाला डाउट था, इसमें हमारा टाइम लग गया. चलो एनीवे कोई बात नहीं. और किसी को कोई डाउट है बेटा जो हमने कल पढ़ा उससे पूछ लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी को भी कोई डाउट है जो हमने कल पढ़ा उसमें से? सबको पता चल गया तो कि रैशनल नंबर, ये सर ने भी आपको कराया था, रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन पॉसिबल है. पहली, रैशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. दूसरी डेफिनेशन, अ रैशनल नंबर इज अ क्वांटिटी, अ रैशनल नंबर इज अ क्वांटिटी, ये एक ऐसी संख्या होती है ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म एंड आइदर द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, समझ में आता? ये डेसिमल फॉर्म है. अब आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसा, ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, कोई ऐसी भी क्वांटिटी होती है, जैसे हमने देखा ना कल, हमने देखा कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर जीरो, रैशनल नंबर वन, रैशनल नंबर टू, इनके बीच में भी रैशनल नंबर आएंगे, है ना, इनके बीच में भी रैशनल नंबर आएंगे. आपको मुझे बताना है क्या कोई ऐसा भी नंबर होता है नंबर लाइन के ऊपर, इज देयर एनी नंबर, इज देयर एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इज देयर एनी क्वांटिटी ऑन द नंबर लाइन, Is there any numerical quantity on the number line जिसकी decimal form non-terminating and non-repeating आए, non-terminating and non-repeating, ऐसे भी बोलते हैं non-terminating and non-recurring. recur मतलब recur किससे बना है, reoccur. रीअकर मतलब बार बार, है ना. तो क्या कोई ऐसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है बेटा, ये आपको मुझे बताना है, क्या नंबर लाइन के ऊपर कोई ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी जिसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आए, है ना, डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आए, तो क्या ऐसी कोई क्वांटिटी होती है? तो मैं आपको ऐसी ही क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है. तो बेटा लास्ट ईयर आपको मैंने स्क्वेयर रूट्स निकालने बताए थे, अभी तो आपको सर ने बता दिया था स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज अ होल नंबर, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आएगा ना, ठीक है. तो लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 1.1415 ऐसे करके, है ना. और इसमें जो डेसिमल फॉर्म है वो ना तो कहीं टर्मिनेट करेगी और ना ही वो रिपीटिंग होगी, इसमें कोई रिपीटिंग चीज नहीं है, ठीक है. अब जैसे मैंने कल लिखा था, तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 1.09090909 तो एंड सो ऑन, तो इसमें देखो आप 09 रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, है ना, बार बार आ रहा है. लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 1.09209309 एंड सो ऑन, लिखने का मतलब सेम तरीके से आगे 4 जीरोस आएंगे, ठीक है. तो ये जो नंबर है ये एक ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन से वाला, नीचे वाला, एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो नॉन रिपीटिंग है या नॉन रेकरिंग है, ठीक है. तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. इसको तो हम एक इंटीजर डिवाइड बाय अनदर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम वन इंटीजर डिवाइड बाय अनदर इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते. समझ में आएगा बेटा आप सबको? तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, तो इरेशनल नंबर्स आर दोज हुज डेसिमल नोटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्क्वायर रूट 2 का. अब स्क्वायर रूट निकालना आपको लास्ट ईयर सबको मैंने बताया था, जिनको नहीं आता है बेटा वो मुझे एक मैसेज भेज देना, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा
जिसमें हमने सीखा है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हम करते हैं वन वनजा, यहाँ यहाँ और यहाँ सेम नंबर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, यहाँ और यहाँ सेम नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं, यहाँ पे वन, क्योंकि अगर हमने यहाँ टू लिखा और टू लिखा तो टू टू जा फोर, फोर तो इससे ज्यादा हो जाएगा टू से, याद है ना आपको, ये आपको बताया था। तो अभी हम करेंगे वन वन जा वन, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर वन रिमाइंडर आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं डेसिमल, है ना, फिर हम दो दो के पेयर में जीरोज को लेते हैं, है ना, पेयर बनाकर, और भी ले सकते हैं आगे अगर हम चाहें तो, और भी ले सकते हैं अगर हम आगे चाहें तो, जितनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे ऊपर, जब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, तो ऊपर भी डेसिमल लग जाएगा। जिनको ये नहीं आता बेटा सीख लेना, आपको आना चाहिए मैथ्स के स्टूडेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये दोनों जीरोज एक साथ नीचे जाएंगे, है ना, बोथ दी जीरोज गो डाउन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमने जीरो जीरो लिख दिया, उसके बाद जो यहाँ पे नंबर होता है हम उसको डबल कर देते हैं, है ना, डेसिमल को भूल के इसको डबल कर दो, तो ये टू आ जाएगा, अब ये जाएगा फोर से ना, 1.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 96। थ्री से क्यों नहीं गया, थ्री से क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर थ्री लिखोगे और यहाँ पर भी थ्री लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 69, क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा, लेकिन 69 से बड़ा नंबर हम ले सकते हैं 96, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 25, 5 जा 125 होता है ना, वो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 पर नहीं जाएंगे हम, we will not go to 5, we will only go up to 4। आता है करण ये पैटर्न आपको पहले से बेटा, ये आता है आपको, करण सुन नहीं रहा, यस सर आता है थोड़ा बहुत, चलो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता बेटा, जिसको भी आवाज क्लियर नहीं है उसका रीजन ये नहीं है कि कोई हमारे पार्ट पे हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम तो यही हार्डवेयर से बहुत सारे बच्चों को क्लास ले रहे हैं। एक तो आप अपने घर में आसपास किसी शांत जगह पर बैठिए, ठीक है, जहां पे आपको दूसरी आवाज ना सुने, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अब आ जाएगी सबको आवाज क्लियर, आ जाएगी सबको, शगुन अब आवाज सही आ रही है आपको, यस या नो भेजो टाइप करके, अब सही आवाज आ रही है, हाँ अब सही आ जाएगी ना, मैंने म्यूट कर दिया सबको, जब मैं म्यूट करता हूं ना तो सबको आवाज सही आएगी, ठीक है, चलो एनीवे, तो थोड़ा शांत जगह में बैठो, आसपास शोर मत करो, ठीक है, फिर आपको सबको इजीली रहेगा। तो बेटा देखना अब ये 4 से 96 आ जाएगा यहाँ पे, फिर रिमाइंडर 4 बचेगा। अब हम नेक्स्ट दो जीरोस को एक साथ नीचे उतारते हैं और फिर हम इसको डबल कर देते हैं, इसको डबल कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 28। अब 28 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपके पास, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूंगा तो ये आपको मालूम है, जब मैं यहाँ 2 लिख दूंगा ये 2 2 4 बन जाएगा, तो वो 400 से ज्यादा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम केवल यहाँ पर 1 तक जा सकते हैं, तो 1 तक जाएंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 281। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 9, आगे क्या आएगा, 1, और आगे क्या आएगा, 1, है ना। उसके बाद ये दोनों जीरोज नीचे चले गए थे, अब ये दोनों जीरोज नीचे आएंगे तो इनको नीचे लगा दो, ठीक है, अब इसको डबल कर दो, इसका डबल मैं यहां लिख रहा हूं बेटा साइड में, 282, है ना। अब ये किससे जाएगा, ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 1. यहाँ पे 1 भी आना था, हमने मिस कर दिया, 1.14, 1.414 होता है ना, तो ठीक है ये तो सही है बेटा, यहां मैंने गलत लिखा हुआ है, 1.414 एंड सो ऑन, ठीक है, चलो एनीवे। तो देखना बेटा, तो अब यहाँ पे ये किससे जाएगा, अब ये दोबारा से 281, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे और फिर आप ऐसे ही करते जाओगे। तो मतलब अगर आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, 4 तक, 5 तक निकालते जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं करेगा, नथिंग विल रिपीट, ये 1415 नहीं है, ये 414 है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप आई एम डूइंग फनी थिंग्स सिंस मॉर्निंग, तो इसलिए थोड़ा कम सोने की वजह से ना,
हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा हो रहा है आजकल, सब बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। लो बेटा ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया? तो मतलब स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, ये सब इरेशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि जब हम इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे लेकिन कुछ भी रिपीटिंग नहीं आएंगे, है ना? दे विल बी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब हमको एक चीज जो आज सीखनी है वो ये कि जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम क्या नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं? क्या आप नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट टू को दिखा सकते हो? लेट अस टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट टू। मतलब ये है कि बेटा देखो, अगर मैंने यहां जीरो लिया और मैंने 1 सेंटीमीटर दूर वन ले लिया, और मैंने फिर दो कहां पर आएगा? दो इससे भी 1 सेंटीमीटर आगे आएगा, दो है ना, यहाँ पे दो आएगा। सबको मालूम है ना ये टू यहाँ पे आएगा, थ्री कहाँ पे आएगा, फोर कहाँ पे आएगा, सब पता चल गया आपको। बाई चूजिंग दिस स्क्वेल स्केल हमें सब पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे दिखाना है, ठीक है? ये सबको समझ में आ रहा है? तो चलो ये टू हो गया, और फिर आगे ऐसी थ्री भी आएगा और आगे ऐसी फोर भी आएगा। अब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या नंबर लाइन पर, अब देखना, अगर मैं यहां से, देखना बेटा, अगर मैं सपोज यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसकी बात करूं, तो ये लेंथ कौन सी क्वांटिटी को दिखा रही है? ये लेंथ थ्री को दिखा रही है, यानी कि रैशनल नंबर थ्री को दिखा रही है। तो ऐसी रैशनल नंबर फोर को भी कोई लेंथ दिखा रही है, तो क्या कोई ऐसी लेंथ इसके ऊपर है जो स्क्वायर रूट टू को दिखाए? इज देयर अ लेंथ फ्रॉम जीरो, जीरो से शुरू होकर क्या कोई ऐसी भी लेंथ है जो स्क्वायर रूट टू को दिखा सकती है? स्क्वायर रूट टू क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्वांटिटी, ठीक है? सो इज देयर अ लेंथ ऑन द नंबर लाइन विच रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट टू? तो आंसर इज यस, देयर इज, ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, जो स्क्वायर रूट टू को नंबर लाइन पे दिखाए। तो वो कैसे करते हैं देखो, तो ये बहुत ही इजी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जीरो है, मानना तो पड़ेगा ही बेटा आपको कुछ ना कुछ, फिर आप कुछ भी स्केल चूज कर लो। मान लो हमने चूज किया कि 5 सेंटीमीटर को हम वन से दिखाएंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका होमवर्क है, आज आपको यही काम करना है दोबारा से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वन ले लिया, स्केल क्या चूज किया हमने? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक, ठीक है ना? तो ये आपको करना है। आगे बेटा देखो कैसे करना है। अब हमारा एम क्या था? हमारा एम था क्या था? हमारा एम, हमको ऐसी लेंथ फाइंड करनी थी जो स्क्वायर रूट टू को दिखाती है, विच रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट टू। हाउ विल यू फाइंड दिस लेंथ? तो उसका मेथड देखो आप, बहुत ही इजी है। पहले ये दिख रहा है ना आपको वन कहां पर है ना? ये लेंथ के बारे में किसी के मन में डाउट नहीं है कि ये लेंथ नंबर वन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे कि हम वन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज का एंगल। कैसे बनाएंगे? वो ऐसे अंदाजे से नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। आप कॉम्पस लेंगे बेटा, कॉम्पस को ओपन करके ऐसे आर्क लगाना आता है सबको, फिर यहां से ऐसे 60 डिग्रीज का एंगल बनता है ना, ये 60 डिग्रीज का एंगल, ऐसे 60 डिग्रीज पे निशान लगाना है। कहाँ पे लगाना है? 60 डिग्रीज पे। फिर 120 पे निशान लगाना है, फिर इसको बाइसेक्ट करना है ना यहां से ऐसे, और फिर ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाना सबको आता है, सबको आता है ना 90 डिग्रीज का एंगल बनाना। तो आपने 90 डिग्रीज का एंगल बना दिया, कहाँ पे बनाया हमने? लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज, ओके, आमतौर पे जीरो को हम, आमतौर पे हम जीरो को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोल लेते हैं ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे हमने एंगल बनाया 90 डिग्रीज का, और हमारे को कौन सी लाइन से लाइन मिल गई? ए बी लाइन मिल गई, ठीक है? ये ए बी लाइन है, ऊपर चढ़ रही है, जहां जहां तक मर्जी ले जाओ। 90 डिग्री का एंगल बना दिया, हमें कितनी लंबाई चाहिए? स्क्वायर रूट टू। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम लेंगे हेल्प पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी हेल्प लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की। कैसे? देखो ऐसे, अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी कॉम्पस को इतना खोलो, ठीक है, कॉम्पस के वो इतना खोलना है, और फिर ए से लेके
यहां कट करना है, मतलब जितना लंबा ये कॉम्पस से हम उतना ही लंबा यहां पे आर्क लगा देंगे, समझ में आया, बी पॉइंट तक। तो ए बी कितनी लंबाई बन गई, वन, ए बी कितना बन गया बेटा, वन, और ओ ए कितना है, वो भी वन है। तो ए बी वन क्यों है, क्योंकि हमने कॉम्पस को इतना खोला और यहां पे आर्क लगा दिया, कैसे, ए से रख के कॉम्पस को बी तक आर्क लगा दिया, तो ए बी कितना आया, वन, और ओ ए कितना आया, वन। अब यदि आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, ओ और बी को, तो ओ ए बी क्या बन गया, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स हमें मालूम है, कौन सी, ओ ए और ए बी, और ओ बी की लेंथ हम राइट एंगल ट्राइंगल में निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या आएंगी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, वन, वन का स्क्वायर कितना बना, वन, और ए बी कितना है, वो भी वन, तो वन का स्क्वायर कितना बना, वन, तो ओ बी स्क्वायर कितना आ गया, टू। तो यानी कि ओ बी का स्क्वायर कितना आया बेटा, टू आया, तो ओ बी कितना आया, स्क्वायर रूट टू। मतलब यह है कि जो ओ बी की लेंथ है वो कितनी है, ओ बी की लेंथ कितनी है, ओ बी की लेंथ है रूट टू। तो मतलब हमें वो लंबाई पता चल गई, हमें वो लेंथ पता चल गई जो स्क्वायर रूट टू के इक्वल है। वी हैव गॉट टू नो दैट लेंथ नाउ विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो ओ बी की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट टू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे ओ ए लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, वन को, ठीक है, और ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, वो भी वन को, वैसे ही ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ टू को। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे, प्लीज होल्ड ऑन, सम स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी हु वांट टू ज्वाइन दिस क्लास बट दे कांट ज्वाइन दिस क्लास। धनंजय आप एक बार रिकॉर्डिंग में देखना बेटा। हाँ हेलो यार, ये नो लाइफ में मेल आए जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो? हाँ एक, नहीं बेटे और भी आ रही है, एक बार चेक करना, ये बच्चे ने लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिमांशु को बताना कैसे लॉगिन करना है, एक बार चेक कर। हाँ जी अभी करते हैं बेटा, दो मिनट रुकती है सब लोग, ठीक है। धनंजय अभी बेटा ये सब रिकॉर्डिंग में है, आप एक बार फिर से देखना, ठीक है, और ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर ना होने दो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार जो भी मैं बता रहा हूँ उसको दोबारा से आप सुनना, ठीक है। तो ओबी की लेंथ कितनी है, ओबी की लेंथ आ गई स्क्वायर रूट टू। अब आप देखो आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, सिलेक्ट, सिलेक्ट टूल कहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्ट टूल था ना, यहाँ पर कहाँ है, क्या हो गया, हाँ ला बेटा आगे चलते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, हमें ये लेंथ पता चल गई जो स्क्वायर रूट टू के इक्वल है, वी हैव गॉट टू नो अबाउट दैट लेंथ विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू। ये जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट टू है, तो हम दोबारा से कॉम्पस लेंगे और कॉम्पस को इतना खोलेंगे, है ना, ओ से लेकर बी तक, और कॉम्पस को ओ से लेकर बी तक खोल के और ओ से लेके आप यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, है ना, कैसे लगाओगे, ओ से लेकर बी तक, ओ बी के जितना खोल के और ऐसे आर्क लगा दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आपने एक सर्कल बनाया, अब ये जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख दो सी, तो ओसी और ओबी इक्वल आएंगे कि नहीं, और ओसी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट टू। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक पॉइंट पर ओ ले लिया, ये यहाँ पे हमने ओ लिया, तो अब जो हमने ओसी फाइंड किया, ठीक ना, ये ऐसे ले लो डॉटेड 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 डॉटेड, तो ओसी की लेंथ कितनी आ गई, ओसी की लेंथ यहां तक तो वन आ रहा है, वन यहां पर है, ठीक है ना, और ओसी की लेंथ कितनी है स्क्वायर रूट टू, ओसी की लेंथ कितनी है स्क्वायर रूट टू, और आप देखो ये ओसी की लेंथ 1.4 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ी सी ज्यादा आ रही है ये, है ना, तो ये बिल्कुल ही इजी है,
समझ में? चलो जिसको नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 45-50 मिनट्स की क्लास कर रहे हैं, तो और इसकी ना रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप रिकॉर्डिंग देख के आपको नहीं समझ में आएगा ना तो फिर उसके बाद दोबारा से आपको बता देंगे, नो वरीज इज देयर। मैं अभी आपको थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ धनंजय, अब दोबारा सुनना, सेम स्टेप्स में बताऊंगा, आई विल टेल द सेम स्टेप्स बट नाउ आई विल टेल हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वेयर रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री को कैसे नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है? तो आप खोपड़ी लगाओ थोड़ी सी, अपने ब्रेन को ऑन करके रखा करो, ठीक है? यहाँ पे बेटा हमने ले लिया जीरो, ठीक है? हमारा पर्पस क्या है कि हम वो लेंथ फाइंड आउट करें, हमारा पर्पस है कि हम वो लेंथ निकालें जो लेंथ किसके इक्वल है, स्क्वेयर रूट थ्री के इक्वल है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको मेथड वही है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम इस साइड को स्क्वेयर रूट थ्री बनाना चाहते हैं तो इसको और इसको में कितना लेना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सोचना। मान लो हम इसको ले लेते हैं वन और इसको ले लेते हैं टू, ठीक है? तो ये साइड कितनी बड़ी आएगी, ठीक ना, ये वाली साइड कितनी बड़ी आएगी, तो ये साइड मान लो एक्स आएगी, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा एक्स, तो आ जाएगा रूट फाइव, तो मतलब ये तो रूट फाइव आ जाएगी, तो रूट थ्री तो नहीं आएगी। हमें चाहिए कि हम हाइपोटन्यूज को कितना बना दें, हम हाइपोटन्यूज को रूट थ्री बनाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो दो साइड्स हैं, कौन सी, ये और ये आपको ऐसे लेनी है, इन ये साइड इतनी इतनी बड़ी लेनी है ताकि ये रूट थ्री बन जाए। इसको रूट थ्री बनाने के लिए आप इन साइड को क्या लोगे, तो मान लो हम ऐसा करेंगे, एक साइड को अगर हम वन ले लें और एक साइड को हम रूट टू ले लें, आपको गए रूट टू, तो अब ये कितना आ जाएगा, हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना बनेगा वन और इसका स्क्वायर कितना बनेगा टू, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा क्योंकि वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर थ्री है तो एक्स कितना आएगा, एक्स रूट थ्री आएगा। ध्यान नहीं इधर उधर जाने दो, ध्यान गया तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा बेटा रूट थ्री। देखो छोटे बच्चे भी हैं थर्ड और सेकंड वाले, वो भी बेटा ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना, पहले हमने एक स्केल चूज किया, मान लो हमने लिया 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन, तो हमने यहाँ पे वन ले लिया, फिर आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जैसे मैंने बताया था वैसे बना लिया, ठीक है? फिर उसके बाद हमने जितना लंबा ओ से ए तक है उतना ही लंबा यहाँ आर्क लगाया, तो ए बी भी वन हो गया, ठीक है? अब O से B तक जो हमने ज्वाइन किया तो OB कितनी लेंथ आई, OB तो आई स्क्वायर रूट टू। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक आर्क लगाया विद OS सेंटर, विद OS सेंटर हमने एक आर्क लगाया, ठीक है? तो ये पॉइंट आ गया C। अब OC और OB इक्वल है, इसको देखो आप, OC और OB है ना, ये इक्वल है, तो OC भी कितना आएगा, स्क्वायर रूट टू। तो अब हम ये वाली लाइन बना देंगे, ये लाइन समझ में आई आपको, ये कौन सी लाइन है, स्क्वायर रूट टू। अब हम दोबारा से C के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, क्या कर देंगे, दोबारा से C पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दो, और जितना लंबा यहां से यहां तक है मतलब वन वन यूनिट, आप C को सेंटर बनाकर, आप C को सेंटर बनाकर, कौन से पॉइंट को, C को सेंटर बना के, ओके, यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, C को सेंटर बना के जितना लंबा ये है ना, जितना लंबा A से B है उतना ही लंबा आप C से D तक भी एक लाइन सेगमेंट बना दो, मतलब टेक द कॉम्पस एंड मार्क एन आर्क हियर सो दैट CD इज हाउ मच, CD इज आल्सो 1, ठीक है? तो अब OC कितना है, OC है ये देखो, इसमें यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां से, तो OC कितना है, स्क्वायर रूट 2, और CD कितना है, 1, ठीक है? अब अगर हम सपोज इनको ज्वाइन कर दें, किनको, O और D को, अगर आप O और D को ज्वाइन कर देते हो तो OD की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल OCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है? तो OD स्क्वायर कितना आएगा, OD स्क्वायर आएगा OC स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मतलब ये कितना हुआ 2 और ये 1, तो ये 3 हो गया, तो OD कितना हो गया, रूट 3। तो अब आप कॉम्पस को O से लेकर D तक खोल दो और यहां पे एक ऐसे आर्क लगा दो, ठीक है? तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे E पॉइंट पर, कहां पहुंच जाएंगे,
ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? तो अब ओ से लेकर ई तक कितनी लेंथ आ गई, ओ से लेकर ओ ई की लेंथ उतनी है जितनी ओडी की है, लेकिन ओडी की कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो ओ ई कितना है, तो ये वाला जो पॉइंट है, सो लेंथ ओ ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ठीक है, एंड दैट इज द इरेशनल नंबर रूट थ्री, ठीक है। चलो अब आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि बेटा ध्यान से सुनने वाला है, एक बार में आता भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना है। अभी रिकॉर्डिंग देख के समझ लेना, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास आधे घंटे में 15 मिनट में इसी लेक्चर की, उसको दोबारा से देख लेना आप और कॉपी में बनाकर देखना। हाँ बेटा भव्या समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके धनंजय आपको नहीं आया अभी? नो सर, सर रूट टू नहीं समझ में आया। रूट थ्री का आ गया सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा दीपेश आपको आ गया बेटा? यस सर। करण आपको? यस सर। पक्की बात है? कितने परसेंट आया 100 में से करण, सही सही बताना। सो 98 98 ओके रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, ठीक है। तो शगुन आपको कितना आया बेटा? शगुन आ गया यस या नो? ओके आवाज नहीं आ रही है शगुन की, माइक्रोफोन जरूर रखा करो बेटा, है ना, ताकि हम बात कर सके, ठीक है। निशान आपको बच्चे कितना आ गया? सर आ गया सर। हाँ बेटा एक बार ना धनंजय इसका वीडियो आएगा आपके पास, वो वीडियो ध्यान से देखना। अब आप लोग देखो, अगर आप सिंसियरली करना चाहते हो ना बेटा, इसको ना ये मूवी की तरह से नहीं बनाना है। आज आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेनी है कॉम्पस, फिर आपको क्या लेनी है, आपको लेनी है पेंसिल इरेजर और अपना शॉर्पनर, ठीक है, और आपको एक रूलर लेना है और ध्यान से स्केल लिखना है, ठीक है। जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा देखो फिर उसको कुछ भी नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये मैथ्स है, ये खुद अपने हाथ से करने से ही आती है और आपको लाइफ में इसको एक ही बार करना है अभी, अगर अभी आपने कर दिया तो ये आपको हमेशा के लिए आ जाएगा, क्योंकि ना इसमें और टफ चीजें भी आएंगी, अगर आप पहले वाली चीज नहीं करोगे ना तो आगे वाली और टफ लगेंगी आपको। तो आपने स्केल चूज किया कि आपने वन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अब ये वन हो गया, अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये कॉम्पस से बनाना है एंगल आपको, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वन लिया, अब कॉम्पस को कितना खोलेंगे, कॉम्पस को हम यहां से यहां तक खोलेंगे और इस पॉइंट से सेंटर बना के यहाँ आर्क लगा देंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, तो ये वन और ये वन है ना, दोनों वन, तो इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन करने वाली लाइन कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट टू। धनंजय सिर्फ इतने से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। सर अब आ गया, आ जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है सर, बस ये बता दो कंपास कितनी खोलनी है, मतलब जितना तो ओए नहीं बेटा, कितना कहाँ पे कौन सी कहाँ पे कंपास खोलनी है, हाँ जितना ओए है उतनी, क्योंकि ये भी हमें वन चाहिए, ये भी हमें वन चाहिए, दोनों वन वन बनाने ना, तो इन दोनों को तो इक्वल कब करेंगे, ये तो आपने रूलर से लगाया, अब यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलनी है, ठीक है, वो वन ही होनी चाहिए ओए जितनी, ठीक है। चलो अब आप एक बार वीडियो देखना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब आप ये देखो सब लोग ध्यान से, तो सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा स्क्वायर रूट फाइव को दिखाना है नंबर लाइन पे, कैसे दिखाएंगे, तो आपको एक ट्रायंगल रफ वर्क में एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, तो हम हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर रूट फाइव बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर रूट फाइव, हाँ हाई रूट को हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर रूट फाइव, कैसे बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट फाइव, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर रूट फाइव बनाने के लिए अगर हम सपोज अभी हम बोलते हैं कि ये x है, अगर हम इसको 2 ले लें और इसको 1 ले लें, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा बताओ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, रूट फाइव आ जाएगा, आप चेक कर लेना आ जाएगा कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हम जीरो लेंगे, क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे, फिर से हम जीरो ले लेंगे और हम स्केल चूज करेंगे, क्या स्केल चूज करें, मान लो हमने लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2,
अब आपको एक लेंथ तो अपने आप से टू लेनी है, कितनी लेनी है टू, तो मान लो हमने ये लेंथ ले ली टू, ठीक है, यहां से यहां तक की कितनी लेंथ हो गई है, ये टू हो गई। फिर क्या करना है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, लेकिन ये राइट एंगल कॉम्पस से बनाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे 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 करके आप बना दोगे ना सब कॉम्पस से ये, तो यहाँ पे आपके पास एक बन जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल, इसको कितना मर्जी ऊपर ले जाओ और ऊपर चला गया है ना, कहीं तक ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ऊपर नहीं करना है, तो वैसे मैं मजाक में कर रहा हूँ, बट आप इसको ऐसे कर दो। फिर ये पॉइंट हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया ए, अब ये तो हमारे पास टू चाहिए हमें टू, लेकिन ये हमें टू नहीं चाहिए, ये हमें कितनी चाहिए वन चाहिए, तो हम कॉम्पस को यहां से यहां तक खोलेंगे वन तक, और यहां पे आर्क लगा देंगे, समझ में आया बेटा आपको, ठीक है, तो कॉम्पस को यहां से रखकर और यहां पे वन सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगी, और ये लेंथ पहले से कितनी है, पहले से टू है, तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा ओ ए बी, इस ओ बी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ बी लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, कितनी लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। अब आगे कुछ नहीं है, अब आपने कॉम्पस को यहां से यहां तक खोल के और ऐसे एक आर्क लगा देना है आर्क, अब जहां पे ये आर्क इस लाइन को कट करेगा वो लेंथ, मान लो इस पॉइंट का नाम हम सी रखते हैं, तो देन ओ सी एंड ओ बी विल बी सेम और नॉट, ठीक है, बिकॉज दे आर बोथ रेडियस, ठीक है, और दे विल बोथ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव। तो आज आपने सिर्फ ये होमवर्क करना है इवनिंग तक, कल तक नहीं बेटा, आज इवनिंग तक आपका ये होमवर्क हो जाना चाहिए कि आप स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर रूट फाइव कम से कम इनको आप नंबर लाइन के ऊपर जरूर बनाकर देखो, अभी अभी बनाकर देखो एनसीईआरटी की बुक लेकर, ठीक है, अभी का काम इतना ही है बस, आपको मैंने यही बताना था, ठीक है, इतना ही करेंगे इवनिंग में, फिर आपकी क्लास करेंगे उसमें साइंस कराएंगे आपको, ठीक है, केमिस्ट्री के लेक्चर बेटा मैंने आपको भेजे थे, केमिस्ट्री के लेक्चर भेजे थे कि नहीं, तो वो लेक्चर्स आपको जरूर देख लेने हैं, वो रिवीजन है जो हमने अभी किया था, फिर इवनिंग में आपको केमिस्ट्री का हम आगे का काम कराएंगे। देखो बेटा मेन चीज क्या होता है साइंस में, ओके ना, अभी आप लोग सब छोटे बच्चे हैं, तो मेन चीज क्या है कि आपको वर्ड्स और फ्रेजेस है ना, साइंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रॉपर वर्ड्स और फ्रेजेस चाहिए, तो नाइन्थ क्लास में यही काम होता है कि हम प्रॉपर वर्ड्स और प्रॉपर फ्रेजेस सीखते हैं जिसके थ्रू हम अपनी साइंस को आगे चला पाए दौड़ा पाए, है ना। तो आप क्या चाहते हो आपकी जो साइंस है वो कैसे चले, फरारी की तरह से चले या वैगन आर की तरह से चले, है ना, या बैलगाड़ी की तरह से चले, सारा फर्क इसी में है, ठीक है, तो आप ये देखो कि वेदर यू वॉन्ट टू मूव लाइक फरारी, ठीक है, और वेदर यू वॉन्ट टू मूव लाइक वैगन आर, और वेदर यू लर्न टू मूव लाइक बैलगाड़ी, तो ये इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक रिमांशु माइट बी ज्वाइनिंग, बट अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो लेटर ज्वाइन उसको हम बाय बाय कर देंगे आई थिंक सो, ठीक है बेटा, अभी आप लोग अपनी क्लास करते रहो, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपका जो स्कूल है वो कितने दिन तक चलेगा, यू डोंट नो, ठीक है, इट माइट बी वन मंथ ऑल्सो टू मंथ ऑल्सो, यू डोंट नो कितने दिन तक ब्रेकअप रहेगा, तो आपको अपना काम करना ही करना पड़ेगा। कौन है रिमांशु, चलो शी इज हियरिंग अस, चलो इवनिंग में करेंगे बेटा आप क्लास, ठीक है ना, चलो ऑल द बेस्ट। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था एक, कौन है दीपेश बेटा, ये क्वेश्चन करण, हाँ करण, क्वेश्चन पूछने का तरीका है चैट बॉक्स में कैपिटल क्यू लिख के भेजना है, ठीक है, बताओ। यस बस ये इसका नहीं है सर, मुझे केमिस्ट्री का जैसे आपने भेजा है तो वो लॉग इन नहीं हो रहा है सर। बेटा उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लो, अभी ये नंबर कॉपी कर लो, okay, अमित भैया के पास अभी कॉल कर लो 9866400854, अभी कॉल करो, वो आपको बताएंगे कैसे लॉग इन हो जाएगा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, ओके। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। बेटा ये तो एक आर्बिट्री शेप का चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अब सपोज स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर भी हमने चार्ज लेट से कैपिटल क्यू प्लेस कर दिया है ना, कैपिटल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ऑन दिस चार्ज स्फीयर, तो ये चार्ज इसके ऊपर हमने डाल दिया, तो स्फीयर एक स्पेशल शेप होती है, जो स्फीयर होता है ना आपका वो एक स्पेशल शेप होती है। उसमें क्या खास बात होती है
कि जब आप उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज प्लेस करेंगे तो देन दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर फैल जाता है, चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। ये सबको समझ में आएगा, यूनिफॉर्मली फैलने का मतलब ये है कि अगर हम स्फीयर के सरफेस के ऊपर यहां पर कोई एक छोटा सा एरिया ले और फिर हम यहाँ पे कोई एरिया ले और यहाँ पे कोई एरिया ले, ठीक है, तो देन इक्वल एरियाज विल कैरी इक्वल चार्जेस, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मींस जो हम कहते हैं ना कि चार्जेस स्प्रेड यूनिफॉर्मली, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इक्वल एरियाज, अगर ये सब एरियाज इक्वल है डी एस डी एस डी एस, सो देन द अमाउंट ऑफ चार्ज विच दे कैरी ऑन देम, रेड कलर में दिखा सकते हैं, तो वो चार्ज भी इक्वल आएगा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है। इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो इसका मतलब सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हर जगह पर सेम है। यहाँ पे भी उतनी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यहाँ पे भी सेम चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यहाँ पर भी सेम चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। बट अब यही सिचुएशन अगर आप देखते हो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म जो आपका आर्बिट्री शेप का कंडक्टर, जैसे ये आर्बिट्री शेप है, ये स्फेरिकल नहीं है, आर्बिट्री कोई भी, तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर इक्वल एरियाज लेंगे, मैंने लेक्चर में बताया होगा सारा, है ना, तो देन देयर विल नॉट बी इक्वल चार्ज ऑन इक्वल एरियाज, बिकॉज चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अब ये क्यों और है इसके बारे में अभी आपको नेक्स्ट फ्यू लेक्चर में पता चल जाएगा, बट अभी आप मान लो कि ये अलग होती है, ठीक है, फिर जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब कुछ चीजें क्लियर होंगी, अभी सारी चीज एक एक साथ में क्लियर नहीं होती, पूरी चीज को ना बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो नाउ लेट अस टेक अ पॉइंट ऑन दिस, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस आर्बिट्री शेप के कंडक्टर के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, बस इस मार्कर से पॉइंट्स लगाना ही थोड़े हार्ड है, ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, अब इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ जो इस कंडक्टर को एक पॉइंट पे टच कर रही है, फिर हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पे एक लाइन बनानी है आपको, ये जो लाइन है ऐसे मान लो ये लाइन अंदर घुस रही है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए, इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा, तो पहले हमने ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, ठीक है, फिर हमने ए पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बनाई, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों बना दी हमने, ठीक है, अब जो नॉर्मल हमने ये आर्ग्यू किया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ है, अब इतना तो ये तो रेगुलर है ना, अब आप एक प्रॉब्लम देखो, सपोज हमें ये तो हमने आपको अलग से बता दिया था कि ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के अलोंग क्यों आएगी, ये डिस्कशन तो हमने कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए कैन नॉट बी लाइक दिस, इट हैज टू बी अलोंग दी नॉर्मल, वो नॉर्मल डायरेक्शन में होनी जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कुछ भी पार्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं आ सकता। अब अगर हम आपको ये पूछें कि बेटा आप ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ये जो स्मॉल एरिया है, ये जो स्मॉल एरिया है, ये एरिया है स्मॉल एरिया डी एस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये आपको बताना है। यही प्रॉब्लम है प्रणव, हेलो, हाँ प्रणव सर, प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक पॉइंट चार्ज है, वहां पे थिन स्फेरिकल शेल ले लिया, तो उसने कूल किया, एक मिनट, वो तो बाद में आएगा ना, पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये आपको मालूम है, अगर होल नहीं किया तो, सपोज वी वॉन्ट टू आस्क के ए पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका आंसर आपको मालूम है, अगर ए पॉइंट के आसपास, ध्यान से सुनना, अगर ए पॉइंट के आसपास थोड़ी सी जगह में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये तो हमने देख लिया एक जगह से दूसरी जगह चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर वेरी कर रही है, ठीक है, अब ए पॉइंट के आसपास अगर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो ए पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आपको बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक, पहले इसका आंसर बताओ तब होल वाली प्रॉब्लम समझ में आएगी, पहले तुम ये बता दो बेटा होल वाली प्रॉब्लम सीबीएसई के लिए बिल्कुल है ही नहीं, एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन वो फर्स्ट गो पहली बार में किसी को नहीं समझ में आती, पहले आप थोड़ा टाइम लो इसके लिए, इट इज टू अर्ली, थोड़े से ना एक दो बार में समझ में आती है वो प्रॉब्लम, एक फर्स्ट टाइम में बच्चों को नहीं समझ में आती है, तो पहले आप ये वाली प्रॉब्लम बताओ, प्रणव आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी ए के ऊपर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऊपर, ये करेक्ट आंसर है। धनंजय है क्या, धनंजय, हाँ बेटा, हाँ धनंजय इज हेयर,
हाँ तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, या इसमें भी कोई डिफिकल्टी है कि ये इतनी क्यों आई? अभी प्रणव ने इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है, अच्छा तो प्रणव ने ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे अगर मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेता हूं, मैंने ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस लिया, उस सिलिंड्रिकल सरफेस की जो क्रॉस सेक्शन थी, ये जो क्रॉस सेक्शन थी ये, ठीक है, ये डीएस है, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया भी डीएस है और ये वाला एरिया भी डीएस है, और ये जो सिलिंड्रिकल क्रॉस, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसकी हाइट बहुत ही थोड़ी होती है, चाहे आप उसको डेल्टा एच, एक एक ऐसा डेल्टा होता है बेटा ये डेल्टा एच, चाहे सिलेंडर की हाइट को आप डेल्टा एच ले लो या वाई ले लो या एच ले लो, पर ये बहुत ही कम हाइट है, बहुत ही कम, 0.00001 मिलीमीटर ऐसे कुछ लेना है, ठीक है। अब आपको ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके ऊपर गॉस थ्योरम लिखना है, सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर हमें गॉस थ्योरम लिखनी है, जस्ट अ मिनट, सिलेंड्रिकल सरफेस पे हमें गॉस थ्योरम लिखनी है, तो गॉस थ्योरम का तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, चार्ज इनक्लोज्ड। तो अब आपने ये पूछा था प्रणव के इसमें ये जो कर्व पार्ट है उसके ऊपर फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा है ना, यस सर, यही पूछ रहे थे ना, कर्व पार्ट के ऊपर फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा है ना, यस सर। तो कर्व पार्ट, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो जाएगी नहीं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ही ऐसे अलोंग द नॉर्मल, तो कर्व पोर्शन के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ ही नहीं रही ना, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एरिया को कट कर रही है, इसको, ये ऊपर वाले एरिया को कट करते हुए जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर अब इस, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके तीन पार्ट आ गए, एक तो ये जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन है फर्स्ट पार्ट, एक ये जो बाहर वाला है इसको सेकंड मान लो, और जो कर्व्ड पोर्शन है इसको तीन मान लो, तो फ्लक्स के ऊपर आप ऐसे लिखोगे फ्लक्स को, तो फ्लक्स ओवर द फर्स्ट सरफेस, फिर फ्लक्स ओवर द सेकंड सरफेस, फ्लक्स ओवर द सेकंड सरफेस, फिर आप लिखोगे फ्लक्स ओवर द थर्ड सरफेस, ऐसे लिखोगे ना, और फिर 1/ε टाइम्स, अब इसके अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एरिया, अगर हमने चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमें चार्ज मिल गया, ठीक है, हमें चार्ज मिल गया, ये वाला चार्ज बेटा, ये जो यहाँ पे चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये दिख रहा है ब्लू से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला चार्ज है इतना, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, तो यही चार्ज इनक्लोज आएगा इसमें, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना फ्लक्स के अंदर, ठीक है। तो वट आई वॉन्ट टू से, तो जो कर्व पोर्शन है उसके ऊपर फ्लक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के अलोंग है, तो वो कर्व पार्ट को कट नहीं कर रही, तो जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर फ्लक्स जीरो आ जाएगा, जो अंदर वाला सरफेस है उसके ऊपर भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि अंदर ई जीरो है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ठीक है, और सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, है ना, ये वाली टर्म, ठीक है, जो आपके पास आ रहा है ई डॉट डी एस इंटीग्रल, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, ये आ जाएगा E dot ds1, तो आगे तो बिल्कुल इजी है। अब मुझे इसमें ये नहीं समझ में आ रहा आपको क्या चीज नहीं समझ में, अब बताओ प्रणव आपको क्या चीज नहीं समझ में आई इसमें से, सर आगे बस वो नहीं आ रहा था कि कर्व्ड पार्ट पे वो जीरो क्यों आ रहा है फ्लक्स, तो वो लेक्चर में मैंने बताया होगा, हो सकता है मैंने इतना अच्छा नहीं बताया हो, है ना, तो वो तो आप लोग जो मुझे फीडबैक दे रहे हो उससे मेरी मुझे पता चलता है कि मैंने क्या गलत बताया और क्या सही बताया, कोई बात नहीं, अब तो क्लैरिफाई हो गया। अब होल वाला अलग प्रॉब्लम है बेटा, होल वाली अलग प्रॉब्लम है, होल वाली प्रॉब्लम नीट मेंस मेंस के लिए तो अच्छी है, लेकिन वो उसमें नहीं आएगी, तो आई थिंक 33rd क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो इसी के बारे में, 29th होल के बारे में है ना, होल के बारे में देखना, अगर आपने एनसीईआरटी का 29th क्वेश्चन पढ़ा है बेटा, नहीं पढ़ा है तो अभी आप बुक से देख लो, उसमें भी एक आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक होल है ऐसे, ये खाली जगह है, ठीक है, और यहां पे ऐसे इस तरीके से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सॉलिड एक कंडक्टर है आर्बिट्री शेप का, ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि यहाँ होल के बीच में एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, है ना, होल के अंदर इमेजिन करना है तो यहाँ पे लेना आपको एक पॉइंट, ठीक है। अब ये जो मैंने होल के अंदर रेड डॉट लगा दिया, अब यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये बताना आपको, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 29 की क्वेश्चन है। ये वीडियो था बेटा इसका प्रणव? यस सर, इसका वीडियो था
सर वीडियो था आपने उसमें दो क्वेश्चन और कराए थे और कहा था इसको ट्राई करके आना फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। इसका सोल्यूशन नहीं था ना, इसका सोल्यूशन नहीं था सर। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो मैं अभी बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर भेजना है उसमें इसका सोल्यूशन भी है समझ रहे हो ना। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो लेक्चर में रिकॉर्ड हो गया ना वो उससे मेरा एफर्ट, क्योंकि अभी मेरे साथ क्या है कि मेरे को नाइन्थ की टेंथ की और इनकी भी ना तीन तीन क्लासेस लेनी पड़ रही है, खासकर मैथ्स वाले पार्ट की, तो और मेरा काम ज्यादा हुआ हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो वीडियो में रिकॉर्ड है आप उसमें से जो समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछते रहो, और बाकी फिर ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो शायद सब इजीली हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो अभी मैं आपको बता रहा ना होल वाली, ये इसका वीडियो आ जाएगा अभी आपके पास नेक्स्ट, ठीक है, देयर इज नो ट्रबल, आप उसमें से देख लेना। अगर नहीं आएगा तो कल फिर 15 मिनट्स लगा के हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है बच्चे, ठीक है, डोंट वरी। तो आप वीडियो से देखोगे ना तो उसमें ना इसमें स्क्रीन एरिया बहुत कम है, समझ रहे हो आप, कितना छोटा सा स्क्रीन है मेरे पास, तो इसमें थोड़ा समझाने में डिफिकल्टी है, वहां बोर्ड पे थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी इसको ना बैकअप में रख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको 29th प्रॉब्लम का ना वीडियो आ जाएगा जिसमें ये हमने होल वाली प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। तो आज आज और वेट कर लो, आज ही भेज देंगे आपको, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ आप लोग ना, हाँ सबको ये, उसने धनंजय ने यही वाला क्वेश्चन पूछा था, बच्चे आज आज और आप वेट करो, मतलब अभी भेज देगा अमित आपको थोड़ी देर के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही, ठीक है, ये वाला वीडियो, ठीक है, आपको फिर उसमें से समझ में आ जाएगा। अच्छा और बताएंगे 33rd अभी देखते हैं, लेकिन और किसी को कोई डाउट है? लेक्चर आज देखा बेटा आपने लाइन पोटेंशियल वाला, समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा तो उसमें से जो गलती कर सकते हैं हम लोग वो ये गलती कर सकते हैं, बच्चे ना फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ ये कॉमन मिस्टेक है, मतलब जो उसमें लाइन इंटीग्रल वाला फॉर्मूला है ना आपको लिखा होगा ई डॉट डी एल वेक्टर, जो है अगर दो पॉइंट्स के बीच में लाइन इंटीग्रल निकाला जाए तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ना ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट आई माइनस पोटेंशियल एट एफ, है ना, ये वाला फॉर्मूला था उसमें, ठीक है। चलो एक बच्चे से फीडबैक ले लेते हैं, था प्रणव ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये आया था बेटा, ये वाला फॉर्मूला आया होगा इसमें, ओके यस सर। अच्छा ठीक है, इसको याद रखना, इसको पकड़ के रखो, ये नहीं भूलना, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि ये फाइनल है ये इनिशियल है तो इसको वी एफ माइनस वी आई कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तो ये आया था उसमें, हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है क्या? नहीं निकाला होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालोगी, ये भी नेक्स्ट निकाला था, तो ये भी लिखते हैं बेटा, ये इनको अपनी टिप्स पे रखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से, अभी आएंगे गौतम वेट करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक आई पॉइंट से एफ पॉइंट तक हम एक चार्ज को लेकर जाते हैं, सपोज हम यहां से यहां एक चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं और जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं वो चार्ज है मान लो स्मॉल क्यू को आई से लेकर एफ तक जाते हैं, तो ऐसा करने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क आता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद डीएल वेक्टर, ठीक है, आई टू एफ, तो एक चार्ज स्मॉल क्यू को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है बेटा? किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, अब वो सोर्स हमें दिया नहीं हुआ है कौन सा है, हो सकता है यहाँ पे रखा हुआ एक पॉइंट चार्ज हो सकता है यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ये ध्यान रखना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम। तो हाँ, सो द चार्ज स्मॉल क्यू इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉइंट आई टू द पॉइंट एफ, एंड इन डूइंग सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला बिल्कुल पकड़ के रखो, सारी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि इसी वर्क को हमने कैलकुलेट करके लिखा था कि अगर हम क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं उसमें शायद क्यू जीरो चार्ज को ले गए होंगे हम आपके नोट्स में, अगर हम क्यू जीरो चार्ज को लेकर जा रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, तो इसी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एफ, ये लिखा था हमने, और आपको ये भी उसमें प्रूव किया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं इसी तरीके से, उसमें वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो क्यू जीरो इंटू डेल्टा वी, मैंने क्लास में भी कहा हुआ इनको याद करो, अभी भी आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले याद है ना तो आपकी मेंस की वर्कशीट बड़े आराम से हो जाएगी। वही बेटा मेंस के भी आपके डाउट्स लेंगे, डोंट वरी, अभी आपको टाइम देता हूँ मैं, मेंस की भी हम थोड़ी सी क्लास करेंगे, थोड़ा सा आप आज ये कर लेते हैं,
उसके बाद मेंस का भी शुरू करेंगे और एडवांस का भी करेंगे, एक दो दिन मुझे दो आप, ठीक है? फिर उसके बाद वी विल गेट बैक टू दैट वर्क। चलो अभी गौतम ने ये फॉर्मूले याद करने हैं, मेन बात ये है बेटा, ठीक है? और गौतम ने देखो ये जो मैं आपको लाइव क्लास में बुलाता हूँ ना, ये मैं आपको आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बुलाता हूँ कि दैट मेरा दिल स्ट्रांग रहे और मुझे लगे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कल भी बताया था ये बहुत जरूरी है। तो गौतम कह रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, गौतम बताओ बेटा। सर फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है? फ्रिंजिंग इफेक्ट बेटा लेक्चर में एक जगह आया है, अभी हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे ना तब आपको फ्रिंजिंग इफेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये ना बहुत बार जैसे एम्स वगैरह में भी आया हुआ है। फ्रिंजिंग इफेक्ट ये होता है कि मान लो हमने दो मेटल की प्लेट्स ले ली हमने ऐसे, ठीक है? ये मेटल की प्लेट्स है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो यूनिफॉर्म आनी चाहिए, है ना? ये दोनों चार्ज प्लेट्स हैं, एक के ऊपर मान लो प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और दूसरे के ऊपर भी मान लो कोई माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो इनके बीच में एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। आप सोचना ये क्यों आएगी, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, लेक्चर्स में भी। तो अब ये आगे आएगा फ्रिंजिंग इफेक्ट, अभी इतना ज्यादा नहीं आया। तो जो इनकी एजेस होती हैं, एजेस का मतलब समझते हो, ये किनारे जहां पे खत्म हो रही हैं, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और स्ट्रेट ना होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी ऐसे घूम के ऐसे जाएंगी। अब जब वो घूमने लग गई तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ऐसे, ये एजेस के ऊपर होता है ऐसे, अंदर नहीं, वेल विद इन नहीं। वेल विद इन का मतलब समझ गए ना, मिडल वाले पार्ट में, यहाँ जो अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और स्ट्रेट चलेंगी, लेकिन एंड में वो कर्व्ड हो जाती हैं, कर्व्ड, ठीक है? तो लेकिन अगर ये ट्रूली इनफाइनाइट प्लेट्स हो, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी प्लेट्स ऐसे, है ना, कि कंटिन्यू कर रही है, फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं होता। तो जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, देखो इंजीनियरिंग और साइंस में क्या डिफरेंस होता है, इंजीनियरिंग में हर चीज फाइनाइट होगी, ठीक है? और साइंस में हमने जो फॉर्मूले बनाया है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इनफाइनाइट प्लेट्स के, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, लेकिन असली में तो इनफाइनाइट होता नहीं ना, इसलिए फ्रिंजिंग इफेक्ट की बात करते हैं कि फील्ड कई बार ट्रूली यूनिफॉर्म नहीं होगी एजेस पर। सो एजेस के ऊपर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, इसी को फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो कर्व्ड लाइंस में फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कर्व्ड। आगे समझ में? तो अभी अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्टली बच्चों ने मुझे इस लाइव क्लास में क्वेश्चंस पूछे ना, मोस्टली 90% आप लगा लो वो वही क्वेश्चंस हैं जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। तो वो तो अच्छी बात है, आप सारे लोग ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से आप फॉलो करते जा रहे हो, और मुझे ये कॉम्प्लेक्स हुआ है कि बच्चे लाइव क्लास में एफर्ट करके अटेंड कर रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करूं। तो लेकिन यह है कि बेटर यही है कि जो चीज आगे वाले लेक्चर में आएंगी उनके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है? तो आप ये मान लेना कि सर अगर बोल रहे हैं कि अगले लेक्चर में आएगी तो आ जाएगी और उसके बाद फिर उसको डिस्कस करने का प्रॉपर टाइम है। और बताओ बेटा, किसी बच्चे को कुछ पूछना है और कोई चीज? हाँ, एक बच्चे ने और पूछा है कुछ, सर प्लीज सेंड क्वेश्चन। हाँ, ये अभी दे रहा हूँ बेटा, इन 10 मिनट्स, ठीक है, इन 10 मिनट्स इट विल कम आफ्टर दिस क्लास एंड्स, ठीक है, डोंट वरी, अभी आ रहा है साथ के साथ ही सभी बच्चों के पास ये वाला लेक्चर, ठीक है? अच्छा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म में नहीं प्रणव, ये सब बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आएगा अभी, है ना? तो वो जिस ऑर्डर में नोट्स में दिया हुआ ना उस ऑर्डर में रिकॉर्डिंग में नहीं है, तो आप वरी मत करो, ठीक है, इट विल बी देयर, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप फिर न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, ठीक है? आपने तो मेरा पूरा सर्जरी कर दिया है, आएंगी सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है ना? तो अच्छी बात है। और भी लोग कोई क्वेश्चन पूछे? एक दो लोग ही पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी ने कुछ पूछा नहीं, ठीक है? चलो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है, बेटा नोट्स जरूर बनाते रहो, नोट्स बनाने जरूरी है। जिसका कुछ मिस हो गया है मुझसे व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर लेना, कोई लेक्चर आपका बीच में मिस हो गया है, एक दिन बैठ के 4-5 घंटे पढ़ाई करके उसको रिकवर कर लो, क्योंकि बेटा चाहे कुछ भी हो कॉम्पिटिशन उतना ही रहेगा, ठीक है? और पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आप ही कर रहे हो, सभी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में, बड़ी बड़ी जगह पे, चंडीगढ़, बॉम्बे, सब, एवरीवेयर किड्स आर मेकिंग एफर्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी, विदेशों में भी, तो उनके पास और भी टेक्नोलॉजी है। तो थैंकफुली मेरे पास कुछ रिसोर्सेज थे तो वो भी काम आ रहे हैं, तो लेट्स होप के भी आपको यूज हो। और बेटा किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर क्लास एंड करेंगे, मैं अभी लेक्चर भेज रहा हूँ, उसमें सॉल्यूशंस हैं जो प्रॉब्लम्स अभी बच्चे बोल रहे हैं उनकी, उनको भी आप देख लेना, ठीक है? और किसी को बेटा पूछना है कुछ? 1 2 3 जल्दी से बताओ, नहीं पूछना, चलो फिर रेडी रहा करो, मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों की आवाज सुनकर, ठीक है? अभी एंड करते हैं, फिर कल फिर 15-20 मिनट्स कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, कल फिर कर लेंगे, ठीक है? तो चलो अभी एंड कर देते हैं, अभी लेक्चर भेजता हूँ मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर, आप देख लेना खाना वाना खा के, ठीक है? एंड कर देते हैं क्लास का, ठीक है बेटा? चलो, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।